हेलो एवरीबडी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कलोकेशंस मैं आपको कुछ दिनों से कलोकेशंस और डेली यूज सेंटेंसेस कर रहे हैं हम लोग सो दैट आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके आप अच्छी इंग्लिश बोल सको सो लास्ट क्लास में हम लोग जी से कलोकेशन किए थे आज जो हम कलोकेशन करेंगे दैट इज दैट इज हार्ड टू बिलीव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू बिलीव जो विश्वास नहीं होता कुछ ऐसा चीज होता है ना जो ऐसा फील होता है कि अरे यार ये चीज विश्वास नहीं हो रहा है सेकेंड कलोकेशन है हार्डली एनी हार्डली एनी का मतलब होता है ऑलमोस्ट नान बिल्कुल ना के बराबर थर्ड का लोकेशन है हेल्दी डाइट हेल्दी डाइट का मतलब होता है स्वस्थ खान पान फोर्थ का लोकेशन है विद लेटर एच दैट इज हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी का मतलब होता है उच्च गुणवत्ता अच्छे क्वालिटी का ओके फिफ्थ का लोकेशन है हेवी ट्रैफिक जिसका मतलब होता है भारी यातायात ओके नाउ इन कलोकेशंस का मैं यूजेस आपको बताऊंगी कि इन कलोकेशंस को आप कैसे यूज करोगे कैसे सेंटेंस में इसको यूज करोगे या कैसे इन कलोकेशन सेंटेंसेस बनाओगे और रिमेंबर ये कलोकेशंस आप डेली यूज में ट्राई टू प्रैक्टिस इट सो फर्स्ट कलोकेशन है हार्ड टू बिलीव जस्ट रिमेंबर इसका मतलब क्या होता है डिफिकल्ट टू बिलीव जो विश्वास नहीं होता सो so, इसे इसको हम कैसे यूज करेंगे इट्स हार्ड टू बिलीव दैट द ब्रूटल मर्डर वॉज डन बाय अ चाइल्ड जनरली मर्डर जो होते हैं ना वो बच्चे नहीं करते हैं ओके सो अगर किसी बच्चे ने कोई मर्डर कर दिया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव इट इज़ हार्ड टू बिलीव विश्वास नहीं होता फिर से मैं सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ इट्स हार्ड टू बिलीव दैट द ब्रूटल मर्डर वॉज डन बाय अ चाइल्ड सेकेंड का लोकेशन है हार्डली एनी जिसका मतलब मैंने क्या बताया ऑलमोस्ट नान बिल्कुल ना के बराबर ओके okay, कभी कभी क्या होता है ना कि घर में दूध खत्म हो जाता है बट बच्चे को दूध देना ज़रूरी होता है पीने के लिए बेबीज को तो हम कैसे इसको यूज करेंगे देर इज़ हार्डली एनी मिल्क लेफ्ट फॉर द बेबी टू ड्रिंक इसका मतलब क्या हुआ बिल्कुल दूध है ही नहीं है ना के बराबर है किसके लिए बच्चे को पीने के लिए थर्ड का लोकेशन है हेल्दी डाइट जिसका मतलब मैंने आपको क्या बताया स्वस्थ खान पान हेल्दी एंड अ बैलेंस्ड डाइट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप हेल्दी और एक बैलेंस्ड डाइट लोगे तो आप डिजीजे से बीमारी से दूर रहोगे फोर्थ का लोकेशन है हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता इससे आप कैसे सेंटेंस बनाओगे जनरी लिवाइज जीन्स जो होते हैं ना जो हम जीन्स पहनते हैं जो लिवाइज ब्रांड का होता है दे आर वेरी कंफर्टेबल कंफर्टेबल तो होता है बट अगर आप दुकान में जाओगे तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव क्यों एक्सपेंसिव होता है बिकॉज वो हाई क्वालिटी का होता है अच्छी क्वालिटी का होता है सो लेवाई जींस आर वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑफ हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है कीमती फिफ्थ का लोकेशन है ना आजकल आप देखोगे ना कि इतना ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है कि बच्चे तो स्कूल से स्कूल लेट पहुंचते ही हैं बेचारे हम लोग जो होते हैं हम भी ऑफिस लेट से पहुंचते हैं जिसके कारण क्या होता है हमारा काम सफ़र करता है और हमें सीनियर से डांट पड़ती है और बच्चे अगर लेट पहुंचते हैं तो बच्चों को टीचर से डांट पड़ती है सो so, इसे हम इसको हम कैसे यूज़ करेंगे टुडे आई रीच्ड माय ऑफिस वेरी लेट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक ऑन द हाईवे यानी कि आज मैं ऑफिस बहुत लेट पहुंची क्यों क्योंकि हाईवे पर बहुत हैवी ट्रैफिक था भारी यातायात था हमने नया ईयर का न्यू ईयर का क्या रेजोल्यूशन लिया था कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूंगी बट शर्त क्या है उसके लिए मेहनत आपको करना यू नीड टू वर्क हार्ड वी ऑल नो दैट इट्स वेरी कोल्ड अगर आपको बैठ के पढ़ने का मन नहीं है आप सो के लेट के रज़ाई के अंदर भी रह के आप इन वीडियोस को आराम से देख सकते हो रिमेंबर स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं दो चीज़ दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाई हूँ प्लीज़ आप इन वीडियोस को वॉच कीजिए इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश मैं फिर से बोल रही हूँ जॉब तो आपको मिल जाएगा बट अच्छे पैकेज के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है सो okay? so, क्या क्या आप वीडियोस देखोगे एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आज हमने कलोकेशंस किया विद द लेटर एच नेक्स्ट क्लास नहीं मिस करना है व्हाई बिकॉज विद द लेटर आई हम कलोकेशंस करेंगे और अभी तक हम एच तक कलोकेशंस कंप्लीट कर दिए हैं इट्स योर ड्यूटी कि अगर आज एच से करें तो पुराना भूलना नहीं है गो एंड रिवाइज ऑल दोज कलोकेशंस कट गो बैक एंड रिवाइज ऑल दोज कलोकेशंस हमने ट्रांसलेशन एज वेल एज डेली यूज सेंटेंसेज के सीरीज में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस कर लिए हैं जैसे टू वर्ड्स थ्री वर्ड्स फोर वर्ड्स पॉजिटिव एडजेक्टिव से सेंटेंसेज कैन से सेंटेंसेस और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल से सेंटेंसेस करने वाले हैं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विच इज़ लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश थैंक यू एवरीबडी